नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसी एक मिसाल आज लॉकडाउन के चलते देखने को मिली। आज डीएसपी गुरदीप सिंह जब राउंड पर निकले तो एक व्यक्ति दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वापस लेकर आ रहा था। जब उसको डीएसपी द्वारा रोका गया और पूछा गया तो जब बच्चों के पारिवारिक मेंबर ने झूठ बोलना चाहा तो तभी बच्चा तुरंत बोला कि पुलिस अंकल, मैं ट्यूशन पढ़कर आया हूँ और मेरी मैडम मुझको रोज़ ट्यूशन पढ़ाती हैं। आओ तुमको मैं साथ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि मैं कहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ। जब नन्ना बच्चा अपनी ट्यूशन पर डीएसपी को लेकर गया तो वहाँ जब जाकर बातचीत की तो टीचर भी झूठ बोलने लगी कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती। तब छोटे बच्चे ने बोलते हुए कहा कि पुलिस अंकल, मैडम हम तीन लोगों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। कभी डीएसपी गुरदीप सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि आज एक बच्चे ने सच बोलकर उदाहरण कायम की है। हमने मैडम को समझाकर कह दिया है कि किसी को भी ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही आज जितनी भी दुकानें बिना इजाज़त खुली थी उनको भी बंद करवाया गया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जदों वो दो बच्चे भैन भरा उन्होंने चाचा नाल लैके तुरिया सी किताबा उन्होंने कोल आ तो मैं पूछा कितों आए हैं तो फट बच्चे ने स्तबिया बच्चे ने बोलिया कि असी ट्यूशन पढ़ के आए हैं। मैं क्या बहुत ट्यूशन तो बंद आ। वो कहते नहीं सानू पढ़ाते हैं साढ़े घर के लैके जाते हैं उत्थे। वो बच्चा मैनू उस घर लै गया जिथे वो ट्यूशन पढ़ाते सी तो वो बच्चे ने दसिया कि इतने तीन जने असी ट्यूशन पढ़न आने फिर घर वाले असी मना करके आए हैं भी जेकर करोना की मार लोगों पैंती है तो इन्हें बच्चों भी पैनी है। तुहानू की पता कि होन दिया की नहीं, करोना तो बचने वास्ते असी की करना। फिर वो माफ़ी मांग के कि असी गांह तो बच्चों ट्यूशन नहीं पढ़ावे। कुछ दुकाना भी खुलिया पाई गई अज्ज दुकाना भी खुलिया सी 10-15 के करीब असी बाजार के बेच महलिया के दुकाना जाके बंद कराइया जेडे कि उदा ही नकली जी परमिशन रखी कोल परमिशन जो सिर्फ ये सगिया कि घर सप्लाई करके आना पर दुकाना खुलिया सी इन्होंने फिर बंद कराती इन्होंने कि नहीं खुलनिया।